हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 9 इज़ कम्प्लीटेड इन बुक एंड नोटबुक, एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 10, द गवर्नेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन स्टार्टर। अ ड्रामा इज अ इंटेंटेड फॉर रीडिंग, वाइल अ प्ले इज इंटेंटेड फॉर परफॉर्मिंग एंड वॉचिंग। एक ड्रामा रीड करने के लिए, पढ़ने के पर्पज से लिखा जाता है, जबकि एक प्ले को परफॉर्म करने के लिए और देखने के लिए बनाया जाता है। यू आर गोइंग टू रीड अ ड्रामा, और आप एक ड्रामा को रीड करने जा रहे हैं। यू श्योरली विल वॉन्ट टू परफॉर्म इट, और आप निश्चित रूप से को परफॉर्म करना चाहेंगे। हियर इज एन एक्टिविटी दैट विल प्रिपेयर यू फॉर योर परफॉर्मेंस, और यहाँ पर एक एक्टिविटी है। आई विल एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी। सो एक्टिविटी क्या है? सेंसेस। द टॉपिक ऑफ एक्टिविटी इज सेंसेस। स्टैंड इन अ सर्कल, एक सर्कल में खड़े होना है। यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर योर फाइव सेंसेस, और आपको अपने फाइव सेंसेस को आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। व्हेन द टीचर कॉल्स आउट अ टच एक्शन और अ हियर एक्शन, डू दैट एक्शन। तो आपको क्या करना है, जब टीचर आपके किसी एक्शन के लिए कॉल करेंगे, जैसे टच या हियर, देन यू विल डू दैट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टीचर सेज टच द हॉट सॉस पैन, कि एग्जाम्पल के लिए अगर टीचर आपसे कहते हैं कि सॉस पैन को टच करो, हॉट सॉस पैन को टच करो, प्रिटेंड एज इफ़ यू हैव जस्ट टच्ड वन। तो आपको इस तरह से प्रिटेंड करना है जैसे कि आपने रियल में गरम सॉस पैन को टच कर दिया है। गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस दैट यू कैन एक्ट आउट, तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन आपको दी जा रही हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। टच अ लाइव फिश हैज़ गॉटन इन टू द बैक ऑफ योर शर्ट, आपके शर्ट पर एक जिंदा मछली है। यू आर हगिंग अ पपी, आपने एक पपी को हग कर रखा है। यू स्टेप ऑन अ शार्प नेल, और आप एक शार्प नेल की तरफ पर स्टेप कर रहे हैं, चल रहे हैं। सेकेंड नंबर है टेस्ट। यू बिट इनटू अ पीस ऑफ ग्रीन चिली, आपने हरी मिर्च का एक टुकड़ा खा लिया है। यू आर एन्जॉइंग ए माउथफुल ऑफ चॉकलेट केक, और आप एक चॉकलेट केक को अपने मुँह में भर के इंजॉय कर रहे हैं। थर्ड है हियर। यू हियर अ जेंटल ब्रीज, आपको धीमी हवा सुनाई दे रही है। वेव्स ऑन अ क्वाइट सी शोर, समुद्र के तट पर लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, शांत समुद्र तट पर। अ सडन लाउड नॉइज़ व्हेन अलोन एट होम ऑन अ डार्क नाइट, और अंधेरी रात में जब घर पर एक आप बिल्कुल अकेले हैं और आपको तेज आवाज़ सुनाई देती है। सी यू सी योर पेट एनिमल रनिंग टुवर्ड्स यू, आप देखते हैं कि आपका जो पालतू एनिमल है वो आपकी तरफ भाग रहा है। लाइटिंग इन द स्काई, आकाश में बिजली चमक रही है। अ टेरिबल लुकिंग फॉर्म क्लाइंबिंग योर आर्म, और एक भयानक वॉर्म जो है वो आपकी बाहों में चढ़ रहा है, एक कीड़ा आपकी बाहों में चढ़ रहा है। स्मेल यू स्मेल योर फेवरेट फूड व्हेन यू आर वेरी हंग्री, जब आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपको अपने सबसे पसंदीदा खाने की महक आ रही है। समथिंग स्ट्रेंज इन अ सेंस ऑफ क्राइम वेयर यू आर द डिटेक्टिव, जहाँ पर आप एक डिटेक्टिव हैं, एक जासूस हैं। तो समथिंग स्ट्रेंज इन अ सीन ऑफ क्राइम, तो क्राइम की जो जगह है वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकत हुई है। तो ये जो सेंसेस, ये जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक्शंस दिए हुए हैं, इन एक्शंस को आपको करना है, करके शो करना है किस तरह से आप करेंगे। नाउ आई विल स्टार्ट योर चैप्टर। देयर आर द कैरेक्टर्स। मिस्ट्रेस सी हैज़ हायर्ड अ गवर्नेस टू टीच हर चिल्ड्रन, जो मिस्ट्रेस है उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गवर्नेस रखी हुई है, जूलिया गवर्नेस है। एंड गवर्नेस इज़ अ वुमेन हु इज़ अपॉइंटेड टू लिव विद एंड टीच द चिल्ड्रन इन अ हाउस होल्ड, गवर्नेस एक औरत है जिसको एक घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया है। नाउ मिस्ट्रेस, देयर आर ओनली टू कैरेक्टर्स। मिस्ट्रेस जूलिया कॉल्स अगेन जूलिया, मिस्ट्रेस जो है वो जूलिया को बुलाती हैं। अ यंग गवर्नेस जूलिया कम्स रशिंग इन, एक यंग गवर्नेस है वो दौड़ती हुई आती हैं। शी स्टॉप्स बिफोर द डेस्क एंड कर्टसीज, वो डेस्क के पास खड़ी हो जाती है। जूलिया हेड डाउन, यस मैडम, जूलिया कहती है सिर नीचे करके, यस मैडम। मिस्ट्रेस कहती है लुक एट मी चाइल्ड, पिक योर हेड अप, मेरी तरफ देखो बच्चे, अपना सिर ऊपर करो। आई लाइक टू सी योर आइज़ व्हेन आई स्पीक टू यू, मैं जब आप तुमसे बात करती हूँ तो मुझे तुम्हारी आँखों में देखना है। जूलिया पिक हेड अप,
जूलिया अपना सिर ऊपर उठाती है, कहती है यस मैडम, बट हर हेड हैज़ अ हैबिट ऑफ स्लोली ड्रिफ्टिंग डाउन अगेन, लेकिन उसकी आदत है कि उसका सिर धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगता है। एंड हाउ आर द चिल्ड्रन कमिंग अलॉन्ग विद दियर फ्रेंच लेसन्स, मिस्ट्रेस पूछती हैं कि फ्रेंच लेसन्स में बच्चे किस क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। जूलिया, दे आर वेरी ब्राइट चिल्ड्रन मैडम, जूलिया कहती मैडम वो बहुत प्यारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मिस्ट्रेस, आइज अप, अपनी आंखें ऊपर रखो, दे आर ब्राइट, वे ब्राइट हैं, यू से तुम कहती हो, वेल वाई नॉट, क्यों नहीं। एंड मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में दे आर डूइंग वेल इन मैथमेटिक्स आई एज्यूम, या वो मैथमेटिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं। जूलिया, यस मैडम, स्पेशली वान्या, जूलिया कहती यस मैडम, खासतौर से वान्या मैथ में अच्छा कर रही है। मिस्ट्रेस, सर्टेनली आई न्यू इट, मिस्ट्रेस कहती है निश्चित रूप से मैं जानती थी, आई एक्सीलड इन मैथमेटिक्स, ही गेट्स दैट फ्रॉम हिज मदर, वुडंट यू से, आई एक्सीलड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मुझे श्योर है कि ही गेट्स दैट फ्रॉम हिज मदर, उसने इस चीज़ को अपनी माँ से पाया है, यानी मैथमेटिक्स उसको अपनी माँ से मिली हुई है। वुडंट यू से, क्या तुम ऐसा नहीं कहती हो। जूलिया, यस मैडम। मिस्ट्रेस, हेड अप, शी पिक्स हेड अप, मिस्ट्रेस फिर कहती है अपना सिर ऊपर करो, दैट इज दैट्स इट, इस तरह से, डोंट बी एफ्रेड टू लुक पीपल इन द आईज माई डियर, मिस्ट्रेस कहती है माई डियर कभी भी लोगों की आंखों में देखने से डरो मत, इफ़ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज इन्फीरियर, यदि तुम अपने आप में हीन भावना महसूस करती हो, हीन अपने आप को कमतर आंकते हो, दैट्स एग्जैक्टली हाउ प्यूपिल विल ट्रीट यू, तो निश्चित रूप से तुमको प्यूपिल उसी तरह से ट्रीट करेंगे, अगर आप अपने आप को कमतर समझते हो तो लोग भी आपको कम ही आंकने लगते हैं। जूलिया, यस मैम। मिस्ट्रेस, अ क्वाइट गर्ल आरंट यू, एक शांत गर्ल क्या तुम ऐसी नहीं हो। नाउ देन लेट अस सेटल योर आवर अकाउंट्स, आई इमेजिन यू मस्ट नीड, चलो अब हम अपना अकाउंट सेट करते हैं, यानी अपना हिसाब किताब करते हैं। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू रेस्ट चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।